तो हम आज एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। इसका देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। तो बेटा नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले हमें क्या निकाल बनाना है, एनर्जी डायग्राम बना लो। एनर्जी डायग्राम बना लो ऐसे। देखो ये एनर्जी डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैं नीचे लिख देता हूँ के, यहाँ मैंने लिख दिया के। अभी मैं बताऊंगा ये के क्या चीज है। इसके बाद में हम लिखेंगे नेक्स्ट 2s का, ठीक है ना। 2s वाला सबसे पहले लिख देते हैं। तो 2s के लिए ये यहाँ पे बनाएंगे एक 2s का, और साथ में इस टाइप से इसको ऐसे। ये क्या बना रहे हैं बच्चों, एमओटी बना रहे हैं हम। तो नाइट्रोजन है ना, तो एक नाइट्रोजन का एटम इधर, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, और बीच में क्या बनेंगे, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाओ, या एक एमओटी बना, एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ। ये नाइट्रोजन के लिए है, तो ये 1s2, ये 1s2 का हो गया। ये है बेटा 2s2 का, तो यहाँ लिखो 2s, और यहाँ पर भी लिखो आप 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लगाओ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लगाओ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट। तो ये हो गया सिग्मा 2s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, पी के लिए लिखेंगे। तो ये लिखो पी ऑर्बिटल बच्चों। ये है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल आपको पता है तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो नाइट्रोजन के केस में होगा 2px, 2py एंड 2pz। इस टाइप से बना दो इसमें भी। ये 2px, 2py एंड 2pz इस टाइप से। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे आप। तो ये जो 2p और 2p और 2y है ना बेटा, तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल बीच में रहेंगे इस टाइप से। तो इसको बोलेंगे पाई 2px, और ये हो गया पाई 2py, और यहाँ भी रहेगा एक और ऑर्बिटल इस टाइप से। ये रहेगा सिग्मा, ये रहेगा बच्चों सिग्मा 2pz। क्या रहेगा, सिग्मा 2pz। सिमिलरली इधर भी रहेंगे ऑर्बिटल, लाइन से ही बना देता हूँ। यहाँ पर भी आप दो ऑर्बिटल बनाओ ऐसे। तो ये रहेंगे, ये देखो पाई 2px है ना, तो यहाँ लिखेंगे पाई 2π*2px और π*2py, और ऊपर लगा देंगे हम σ*2pz। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के केस में, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इसका मतलब p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये देखो p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, इधर भी 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन ना, ये वाला, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये पी जेड वाला, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा, तो इसका भी ये आएगा, ये आ गया।
ये बाकी के दो है ना, ये खाली रहेंगे, ये खाली रहेंगे। अब इसका देखो, मैंने सबसे नीचे लिखा के मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखना था मेरे को, एस का बनाना था। यहाँ पे जो मुझे MOT बनानी थी ना, किसके लिए बनानी थी, एस के लिए बनानी थी। और जो 1s ऑर्बिटल है ना, नाइट्रोजन के केस में 1s2 वाला ऑर्बिटल, ये सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिटल है। कौन सा बेटा? इनर मोस्ट ऑर्बिटल। और इनर मोस्ट ऑर्बिटल कभी भी MOT में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर मोस्ट ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेट इन MOT, दैट्स वाई वी डू नॉट ड्रॉ 1s ऑर्बिटल फॉर बोथ द नाइट्रोजन। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1s की जगह के लिख दिया। 1s की जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। के क्यों लिखा हमने, के और के दो बार क्यों लिखा? देखो ध्यान से देखो, या अगर मैं बनाता तो मैं इस टाइप से बनाता, देखो इस टाइप से मैं बनाता, पता है ना आपको, इस टाइप से मैं बनाता है ना, तो इस टाइप से मैं बनाता, तो यहाँ पे मैं 1s का लिखता, इधर मैं 1s के लिए लिखता, यहाँ पे ऐसे बनाता, दो बॉक्स ऐसे बनाता मैं, तो ये पे यहाँ पर होता नाइट्रोजन का, यहाँ होता नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कौन सा होता, 1s, इधर भी नाइट्रोजन का होता 1s। तो इस नाइट्रोजन के 1s को हम लिखते हैं के से, और इस नाइट्रोजन राइट हैंड वाले नाइट्रोजन के 1s को हम लिखते हैं दूसरे वाले केस। तो इसलिए इतना नहीं बनाना पड़ा मेरे को, तो मैंने डायरेक्ट ही क्या लिया, लिख दिया बेटा यहाँ पे के लिख दिया। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात समझ में आ गई है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो निकालो बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ पता है सबको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लो, ये देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो बच्चों, ये देखो ये दो और दो, ये चार हो गए, और ये दो छः हो गए, और ये दो आठ हो गए, 8। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार वाले जितने भी ऑर्बिटल है ना, जिसके आगे स्टार लगा है, उसमें कितने ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहा एक, सिर्फ इसी में दो इलेक्ट्रॉन है, बाकी स्टार वाले में कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें है दो इलेक्ट्रॉन, ये लगाते तो आ गया हमारे पास में हाफ इंटू 6 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इसके बीच में क्या होता है बेटा, इस दोनों के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं इसका पैरा मैग्नेटिक नेचर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लेते हैं। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ N2, N2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, कौन कौन से, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच पोसेस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज सब्सटेंस मीन्स विच पोसेस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक। वाई दे आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक, बिकॉज वेन वी प्लेस दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन दे सो अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया मैंने क्या बताया, जब ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक। दूसरे होते हैं डाया मैग्नेटिक। तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, तो वो कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, अपोजिट ऑफ द पैरा मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन शो करेंगे, क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करेंगे, उसे हम बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन के केस में हम निकाल सकते हैं क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास में,
फॉर्मूला बेटा हमारे पास में n इंटू एन प्लस, फॉर्मूला है हमारे पास में n अंडर रूट ऑफ n n प्लस टू। तो यहाँ पे n का मतलब होता है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के केस में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के केस में आपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे क्या? एक भी नहीं था। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई इसकी, जीरो बोर मैग्नेटो। एन की वैल्यू लगानी है जीरो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई इसकी जीरो। इसका मतलब एन टू मॉलिक्यूल कैसा है? डाया मैग्नेटिक नेचर का। समझ में आ गई बात? अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपको खुद को बनाना है और मुझे बताना है अभी, ठीक है? कर लोगे? समझ में आया नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का समझ में आया बच्चा? तो आपको निकालना है एन टू प्लस का, ये आप निकालो। उसके बाद में आपको निकालना है एन टू माइनस का, इसके बाद में आपको निकालना है एन टू टू माइनस का। ये तीन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इसका निकाल के बताओ। सारी चीजें जो अभी मैंने बताई है ना, कौन कौन सी? एक तो निकालो बॉन्ड ऑर्डर, और सबसे पहले इसका बना लो बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ इन मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, उसके बाद में सिर्फ लास्ट में निकालो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इन तीनों के लिए निकालनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी निकालनी है बॉन्ड ऑर्डर। अब ध्यान देना बेटा, देखो इससे पहले हमने एन टू के बारे में पढ़ लिया था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था थ्री। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आया थी? ये था डाया मैग्नेटिक। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूल में जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, ध्यान से देखो, इंटीजर में आ सकता है, इंटीजर में आ सकता है, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। समझ में आया? फ्रैक्शन में भी आ सकता है और ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, मतलब दशमलव में भी आ सकता है। जैसे 3.2 है, या तो 3.5 है, 2.5 है, 1.5 है, 0.5 है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? तो इन मॉलिक्यूल के लिए जल्दी से आप निकाल के बताओ। अब ये एन टू प्लस लिखा है ना, तो एन टू प्लस का कैसे बनेगा? जब एन और एन प्लस ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे बॉन्ड से, ठीक है ना? ये बॉन्ड से जब जुड़ जाएंगे ना दोनों, तो क्या बन जाएगा? एन टू प्लस बनेगा, ठीक है? तो एक साइड में लिखना एन, दूसरी साइड में लिखना एन प्लस। अगर आपको ये दे दे देखो एन टू माइनस, तो आप क्या लिखोगे? एक साइड में लिखोगे एन, दूसरी साइड में लिखोगे एन माइनस। अगर आपको दे दे एन टू टू माइनस, तो एक साइड में आप लिखोगे एन माइनस, दूसरी साइड में भी लिखोगे एन माइनस। देखो एन माइनस और एन माइनस हो गया एन टू, और माइनस का टू माइनस। अब यहाँ पे देखो कोई भी चार्ज नहीं है और एक साइड में चार्ज है माइनस का, तो ये हो गया एन टू माइनस। एक साइड में एन है, दूसरी साइड में भी एन है, और एक साइड में है प्लस का चार्ज, तो एक आ गया चार्ज इसके ऊपर। अब देखो ध्यान से देखेंगे, अभी नाइट्रोजन एटम है, अब ये एन प्लस एटम है। ध्यान से देखो एन प्लस एटम है, और एन प्लस एटम कब बनता है? ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और ये प्लस कब बनेगा? जब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता तो एक प्लस का चार्ज आता ना, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वाले नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी तो एन प्लस बन गया। अब देखो करना कैसे, ध्यान से देखेंगे आप सभी। हाँ, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। नाइट्रोजन के मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, ये देखो इसके दो, इसके दो। अब यहाँ पे ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दो, ये है सिग्मा 2s के लिए, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है? अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो। अब इस टाइप से आप बना दो। नेक्स्ट,
यहाँ पे बनाओ आप तीन ऑर्बिटल, यहाँ बनाओ तीन ऑर्बिटल। यह है 2px, 2py, 2pz, इधर भी 2px, 2py, 2pz। इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है? ये समझ में आ रहा आपको? और इसके बीच में ये ऐसे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ। इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे आपको, यहाँ पे बनाने आपको दो दो बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे फिर यहाँ पे अगेन दो बॉक्स बनाने हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो आप। देखो इलेक्ट्रॉन्स में लिख देता हूँ, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ। ये लिखा मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए भी मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, अलग कलर से लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो मैंने दो इलेक्ट्रॉन लगाए, इसमें मैंने तीन लगा दिया, इसमें सिर्फ दो लगाए। क्यों? एन एन प्लस है ना, एन प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? पी जेड से जाएगा, तो पी जेड से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी पेयरिंग करवा देता हूँ। पेयरिंग ये मैंने देखो मैंने करवाई, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर आ गए, ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। अब हो गया, पूरा पूरे हो गए देखो। हाँ पूरे हो गए। अब देखो ध्यान से देखेंगे, अब ये बन गया हमारा N2 N2 प्लस के लिए। अब हमें इसके लिए क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? हाफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग और माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो करो जल्दी से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कर सकते हो आना आप, बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, कर सकते हो आप? देखो काउंट कर लो, देखो ये दो, ये बॉन्डिंग के दो हो गए ये, और ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, दो और चार छः और एक सात, तो सेवन। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो एंटी बॉन्डिंग में ये दो माइनस दो हाफ इंटू फाइव, कितने हो गया? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालोगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालो, कैसे फॉर्मूले से निकालोगे? एन एन प्लस टू के फॉर्मूले से क्या जाएगी? देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ये देखो ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू आ गई वन, वन प्लस टू, तो अंडर रूट ऑफ थ्री, तो अंडर रूट ऑफ थ्री की वैल्यू आई 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने, कैसे किया, सबको समझ में आया? इधर भी मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब ये जो के है ना, मैं थोड़ा सा साइड में अच्छे से लिख देता हूँ वापस। ये मैंने बनाया
ऑक्सीजन का 2s, और यहाँ लिख दिया मैंने के, ये मैंने बनाया ऑक्सीजन एटम का, इधर भी ऑक्सीजन एटम, और इधर मैंने बना दिया मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो ये, ऐसे बॉक्स बना दो, ये है बेटा 2s का, ये भी है 2s का। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये जो है ना, ये वाले, ये इनर ऑर्बिटल है, ये है इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल MOT में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, के, इसकी जगह मैंने के लगाया। देखो ऑक्सीजन कितने है यहाँ पे, 2 है, मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये मैंने एटम बनाया है, ध्यान से देखना, अलग अलग फर्क है दोनों में। जब दो ऑक्सीजन के ऐसे आपस में जुड़ेंगे ना, दो जुड़ेंगे तब जाके ये बनेगा। तो दूसरे में भी तो 1s2 है, दूसरे के लिए भी तो सेम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसका जो 1s2 था ना, उसके लिए भी मैंने लगाया के, इसके लिए भी मैंने लिखा के, तो आ गया के, इस ऑक्सीजन के लिए के, इस ऑक्सीजन वाले के लिए के, तो हो गया ना के, ऐसे मैंने के लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में आप बना दो 2p के लिए, ये ऑर्बिटल है हमारे 2p के ऑर्बिटल्स। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें जो 2pz है ना, वो नीचे आएगा, 2pz नीचे आएगा, और px और py ऊपर की साइड में आएंगे, ऐसे यहाँ पे ऊपर की साइड में आएंगे, px और py यहाँ पे आएंगे, px और py, ये है 2pz। तो इसको लिख दो नाम सिग्मा 2s, इसको नाम लिखो आप सिग्मा स्टार 2s, इसको लिखो 2pz, सिग्मा 2pz है ये, और ये हो गया पाई 2px, पाई 2py। अब यहाँ पे फिर ऑर्बिटल बना लो अंदर वाले भी, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे, और एक सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये सबसे ऊपर जो है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। इन दोनों के नाम क्या क्या, इसका तो है नाम पाई स्टार 2px, और इसका नाम है, इसका नाम है पाई स्टार 2py। समझ में आ गई इतनी बात। यहाँ 3 बना लो ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल बनाए, इधर भी बनाओ आप 3 ऑर्बिटल ऐसे। अब 3 ऑर्बिटल में कौन कौन से हैं, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करो, इलेक्ट्रॉन देखो इसमें थे 2, इसमें थे 2, इसमें थे, देखो 1s2, 2s2, 2p4 है ना, तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, ये 4। अब इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाद में, ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आया। अब देखो फिल करो, फिल करेंगे तो देखो ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे आए, देखो ध्यान से देखो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इस टाइप से इसमें भी ऐसे ही करना है, तो ये से करो, एक इसमें, एक इसमें गया, एक इसमें गया, और अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, और एक जाएगा इसमें। अब देखो कैसे करना है, अभी हमें ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। समझ में आया आपको कैसे बनाया मैंने ये? ये देखो 1, 2, 3, 4 है ना, ये 1, 2, 3, 4, ये 1 एक इसमें लगाओ, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें जाएगा, फिर इसमें भी ये 4 है,
चार में से एक इधर गया, दूसरा, तीसरा और चौथा ऊपर गया। अब इसके लिए आप बनाओ बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बनाओ। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हाफ एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने, देखो ये दो, ये बॉन्डिंग के ये दो सिग्मा वाले, सिर्फ बिना स्टार वाले देखने हैं। तो ये देखो दो ये हो गए, मैं देखो काउंट करके बताता हूँ बॉन्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है। ये दो दो चार, चार हो गए, चार और ये चार आठ, एट। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, अभी एंटी बॉन्डिंग वाले भी काउंट कर लेते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग के ये हो गए, ये देखो कितने हैं, ये दो, और ये जो है ना बेटा ये वाले, ये भी एंटी बॉन्डिंग के, ये तो दो और दो चार हो गए। यहाँ पे स्टार लगा है ना, ये स्टार वाले है ना, ये देखो स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो हाफ फोर, तो मोन ऑर्डर कितना है बेटा, टू। अब मुझे बताओ आप कि जब आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिखते हो तो इसके बीच में आप डबल बॉन्ड लगाते हो कि नहीं लगाते हो, लगाते हो ना, तो यही तो है देखो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, टू है बॉन्ड ऑर्डर। अब टू बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका मुझे बताओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार जी के एग्जाम में नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रूव करती है कि ये पैरा मैग्नेटिक नेचर का है। MOT थ्योरी है जो सिद्ध करती है, जो प्रूव करती है कि जो ऑक्सीजन है वो पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसे है देखो, पैरा मैग्नेटिक नेचर के लिए हमें क्या चाहिए, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, यस सर है इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से है इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले दिख रहा है आपको, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अनपेयर है, बाकी सब में पेयरिंग हो गई। तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो निकाल लो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एन इंटू एन प्लस टू से। एन की वैल्यू है यहाँ पे टू, ये देखो ये एन की वैल्यू यहाँ पे हो गई टू। तो फॉर्मूला लगाओ टू इंटू टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ, तो आंसर आ जाएगा 2.80 बोर मैग्नेट्रॉन। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या बताया है, किस टाइप से बताया है, समझ में आया आपको, समझ में आ गया ना। तो एक और एग्जांपल हम दे देते हैं इसको साफ करके। अब आपको बनाना है बच्चों, कौन सा बनाना है मैं बता देता हूँ। अब आपको ऑक्सीजन का समझ में आया है तो आपको बनाओ बच्चों,